छिंदवाड़ा में मंगलवार को लोकायुक्त जबलपुर की 8 सदस्यीय टीम ने कलेक्ट्रेट के आदिम जाति कल्याण विभाग में अकाउंटेंट संगीता झाड़े को 25,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि आवेदक नीलेश सूर्यवंशी पिता गंगाराम सूर्यवंशी उम्र 32 वर्ष निवासी लहगढ़ुआ छिंदवाड़ा ने पिता की सेवा पुस्तिका में वास्तविक जन्म तिथि सुधार करने के एवज में आरोपी महिला अकाउंटेंट ने कुल 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी प्रथम किश्त लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने महिला अकाउंटेंट संगीता झाड़े को रंगे हाथों पकड़ा। जनजातीय कार्य विभाग में आवेदक के पिता गंगाराम सूर्यवंशी आदिवासी बालक छात्रावास में चपरासी के पद पर पदस्थ थे, जिनका त्रुटि वाली सेवा पुस्तिका के हिसाब से जून 2022 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन वास्तव में उनका रिटायरमेंट 2 साल बाद होना चाहिए था, इसलिए इसको सुधरवाने के लिए प्रार्थी से लेखापाल ने रिश्वत मांगी थी। कार्यवाही में लोकायुक्त के 3 निरीक्षक 5 कांस्टेबल शामिल रहे। इनमें प्रभारी निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षक मंजू किरण तिर्की, निरीक्षक भूपेंद्र दीवान, आरक्षक जुवेद खान, अतुल श्रीवास्तव, विजय बिष्ट, लक्ष्मी रजक, सुरेंद्र राजपूत थे। दिनांक 16 तारीख को प्रार्थी नीलेश सूर्यवंशी, जो कि ग्राम लहगड़ुआ सिवनी का निवासी है, कार्यालय आकर लिखित रूप से शिकायत किया कि उसके पिता, जिनका नाम गंगाराम सूर्यवंशी है, आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में पदस्थ है, शासकीय अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 2 साल गलत लिखा गई थी। तो उक्त जन्म तिथि को ठीक करवाने के लिए जब प्रार्थी के पिता के द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्यालय विभाग सिवनी में शिकायत आवेदन किया गया, तो उक्त जन्म तिथि को ठीक करने के एवज में सहायक जनजाति कार्य विभाग सिवनी में पदस्थ अकाउंटेंट श्रीमती संगीता झाड़े के द्वारा उनसे 80,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।